और लोकेशन आप देख रहे हो काफी खूबसूरत झकास लोकेशन है। हे गाइस सलाम नमस्ते केम छो, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस के वी ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि अभी अब आया है कच्ची गांव नामदा, और ये जो इस जगह पे खड़े हैं काफ़ी फेमस और चर्चित जगह है, और जो भाई साहब लोग जो वापिस हैं और फोटो शूट कराना चाहते हैं तो इस लोकेशन पे जरूर एक बार आएँ, जो कि यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत झकास और सम फेबुलस है, और यहाँ पे जो सीन है यहाँ का ना लाजवाब है। आपको पानी पहाड़ सब आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो गाइस चलिए आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत झक्कास है। चलिए आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और कुछ बताता हूँ यहाँ के बारे में, ये लोकेशन आपको कहाँ पर पड़ जाएगा। तो जैसा कि आप कच्ची गाँव में जो पेट्रोल पम्प है वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और कुछ दूर पे आएंगे तो एक नया ब्रिज बना है, नया ब्रिज आप देख सकते हैं वहाँ पर है, और वहाँ से कुछ आगे जाके फिर टर्निंग लेके आप इधर पुराने ब्रिज पे आएंगे तो यहाँ पे जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। जो भाई लोग फोटो शूट कराना चाहते हैं ये फोटो शूट के लिए बेस्ट लोकेशन है, और यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ जो कि देखने में आपको काफ़ी खूबसूरत औसम है। तो चलिए आपको बैक कैमरे का व्यू दिखाता हूँ जो कि जोरदार मजबूत कड़क है। पुल के नीचे चलते हैं, जो कि पुल के नीचे काफ़ी खूबसूरत है, और नीचे चल के आपको व्यू दिखाते हैं जो कि नीचे आपको पानी पहाड़ दोनों देखने को मिल जाएगा, और ये एकदम बेस्ट लोकेशन है फोटो शूट के लिए। तो गाइस चल रहे हैं नीचे, और आपको सीढ़ी भी बना हुआ है पीछे आप देख सकते हैं, और सीढ़ी से आप नीचे कुछ आएंगे तो कुछ आपको ऐसा व्यू देखने को मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत झक्कास है, और आपको पहाड़ और पानी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे छठ पूजा में, छठ पूजा यहाँ पे भी मनाया जाता है, और ये लोकेशन काफ़ी बेस्ट है, फेबुलस है। तो गाइस चलिए आपको बैक कैमरे से यहाँ से लोकेशन दिखाता हूँ तो जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। गाइस आप लोकेशन ये देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत जो कि देखने में है, और ये पूरा बारिश में पूरा पानी पानी हो जाता है, लेकिन अभी समय पानी कम हो चुका है, और यहाँ का मौसम भी काफ़ी झकास है, और यहाँ फोटो शूट के लिए तो काफ़ी बेस्ट प्लेस है। गाइस आप सामने देख रहे हो पहाड़ जैसा भी है, आप उसके चढ़ के भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, और पानी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, और पूरा पत्थर पत्थर जैसा है, और यहाँ पे तो फोटो शूट करने के लिए बेस्ट लोकेशन है। चलिए गाइस आपको यहाँ का सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, और इन्जॉय कीजिए सिनेमेटिक शॉट्स। तो गाइस आप लोकेशन देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है, और पूरा पहाड़ वहाड़ है, और यहाँ पे पानी भी आप देख सकते हो, पानी वानी आप सबको देखने को मिल जाएगा। पानी यहाँ पे कुछ थोड़ा गंदा है, पानी है एकदम सर रेड रेड सा पानी है पूरा, और लोकेशन आप देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत झकास लोकेशन है, और ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, और आप देख सकते हो बीच में पानी के बीच पहाड़ भी है, और ये रहा कुछ पुल आपको ऐसा देखने को मिलता है, और पुल पर भी कुछ लोग आराम आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये लोकेशन आप देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत है, और आगे आप देख रहे हो वहाँ पे पहाड़ वहाड़ जैसा है, उस पर अभी आप फ़ोटो जाके खिंचवा सकते हो, तो काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो आएगा यहाँ पे। नए ऑडियंस के लिए कहना चाहता हूँ बस गाइस आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए इस चैनल पे, आपको काफ़ी सारे फ़नी मस्ती मजाक और जो जो कंटेंट होते हैं सब कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। गरीब के हेल्प हम लोग करते हैं, और हम लोग का आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग वापसी में बहुत कुछ करने वाले हैं। और गाइस अभी चलने वाले उस पुल पे, और जो कि नया पुल बना है, और ये पुल रास्ते में थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, इस वजह से इस पुल को बंद कर दिया गया है, और बाढ़ भी आ जाता है तो पूरा पानी से भर जाता है। और गाइस अब नीचे देख सकते हैं कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिलता है, तो चलिए नए वाले पुल पे चलते हैं, वहाँ का आपका नज़ारा दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं बड़े वाले पुल पे, तो यहाँ से भी आपको कैसा देखने को मिलता है तो चलिए उस व्यू को दिखाते हैं, जो कि पीछे का व्यू आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत झकास औसम है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से पीछे का व्यू दिखाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी लाजवाब मजबूत है। तो गाइस आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है जो कि आप इस साइड देख रहे हैं, ये दमन पूरा जाता है पानी, और आप देख सकते हैं पानी की लहर काफ़ी तेज है, देखिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और गाइस आप ऊपर वाले पुल का, बड़े वाले पुल का आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी लाजवाब लगता है, रात के समय भी काफ़ी औसम लगता है, और यहाँ का व्यू आप देख रहे हैं काफ़ी जोरदार मजबूत है, और काफ़ी साफ़ सफाई का पुल पर भी ध्यान रखा रहता है, हफ्ते हफ्ते में पूरा पुल को साफ़ किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और साफ़ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ का क्या व्यू है,
बस। और ये फोटो शूट के लिए तो बोला जाए गाइस वहाँ पे, और इस पुल पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और जैसे रात होते हुए पूरा जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट जो आप देख रहे हैं रात को ऑटोमेटिक होते ही जल जाता है। और रात में यहाँ का पुल का व्यू देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधा भी साइड साइड बीच में लगाया गया है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और कुछ ऐसा आपको भी यहाँ का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर। बाय बाय।